अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि CTC कैसे लेते हैं। डिजिटल CTC के हवाले से आप यकीनन अब जान गए होंगे, और उस पे मैंने आपको बताया था कि इसकी पेमेंट फिर करनी होती है जो ड्यू फी होती है, जिस तरह आपको रिक्वायर्ड होता है। तो आज मैं आपको क्विकली एक बताता हूँ कि आप जब अपना पोर्टल लॉगिन करेंगे eServices.scp.gov.pk, तो इसको करने के बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे, जहाँ पे आपने कंपनी की, फॉर एग्जांपल मैं एक और CTC लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मुझे जो भी मैंने अपना एड्रेस चेंज करवाया था, तो करंट पोजीशन इसकी जो भी है मैं उसको उसकी CTC लेना चाहता हूँ। तो कंपनी एड्रेस करंट पोजीशन ये आपके पास आ गया है, और मोड ऑफ पेमेंट आपने ADC ई पेमेंट सेलेक्ट की, और उसके बाद आपने कंटिन्यू किया। अब कंटिन्यू करने के बाद ये आपका प्रोसेस जो है ये स्टार्ट हो चुका है। अब अपडेट फॉर्म डेटा है, उसको अगर आप उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक करेंगे, और अगर आप समझते हैं कि ये सब ठीक है तो फिर कंटिन्यू पर क्लिक करके आप आ जाएंगे कि व्यू डिजिटल सर्टिफाइड कॉपी। ये आपके सामने जो कॉपी आएगी वो इस तरह की होगी। ये करने के बाद आप इसको क्लोज करके वापस आएंगे। अगर कोई प्रोसेस सेव होने वाला है तो आपने उसको सेव करना है। उसके बाद अब अपनी बैंक चालान फॉर्म को देखेंगे, फिल न्यू बैंक चालान फॉर्म। तो इसमें आपके सामने ये चालान आ जाएगा कि जो भी अमाउंट है इसको आपने नीचे से जाके सेव करना है। अब ये सेव जब हो गया तो आप वापस उसी प्रोसेस में आ जाएंगे, और फिर आपने इसको साइन करना है। यहाँ पे आप जब साइन फॉर्म करेंगे तो साइन फॉर्म में आप इसका पिन कोड देंगे। जो भी पिन कोड है वो आप उसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद आप उसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आप ADC पेमेंट में आएंगे। अब चूंकि मैं इसको सबमिट नहीं करना चाह रहा तो इसलिए आपके पास ये आएगा नहीं, लेकिन यहाँ पे आपने लेफ़्ट साइड पे है ADC ई पेमेंट, इसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे ये चूंकि ब्लैंक आ रहा है, मैंने अभी सबमिट नहीं किया, तो यहाँ पे प्रोसेस ID आ जाएगा और उसका चालान नंबर आ जाएगा, और यहाँ पे PSID नंबर आ जाएगा नीचे, और इसको आप क्लिक करेंगे तो आप उसको प्रिंट भी कर सकते हैं, आप उसकी PDF बना के सेव भी कर सकते हैं, और जो PSID नंबर है उसको आप पे कर सकते हैं। आप अपने इजी पैसा से करना चाहें इजी पैसा से आप पे करेंगे, और अगर आप चाहें तो आप उसको बैंक में जाके भी पे कर सकते हैं, या ऑनलाइन बैंकिंग के ज़रिए भी पे कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस था ADC ई पेमेंट का। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। हाज़िर होते हैं नए वीडियो के साथ, अल्लाह ने के बाद।